यहाँ एक अलग से पावर मिलती है जब मैं पेट्रोलिंग के लिए निकलती हूँ। ग्रुप में पेट्रोलिंग होती है तो इतनी फोर्स देख के तो डर ही जाते हैं। जो नहीं डरते हैं उसके लिए हम हमारी क्विक रिएक्शन टीम होती है थाने से, बाई कॉल हम उनको बुलाते हैं। हमें पूरा ध्यान रखना होता है, अपने एरिए का भी, अपनी ड्यूटी का भी ध्यान होता है। पब्लिक को भी ये लगता है कि हाँ लेडी पुलिस है जो हमारा भी थोड़ा ध्यान रख रही है, वो भी पेट्रोलिंग कर रही है, एरिए में घूम रही है। तो लड़कियाँ जो और भी लड़कियाँ वो भी अपने अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेती है कि हाँ लेडीज है। पहले सिर्फ पुलिसकर्मी ही पेट्रोलिंग किया करते थे, लेकिन अब सुरक्षा की कमान महिलाओं ने भी अपने हाथों में ले ली है। ये काम उन्हें आत्मविश्वास से भरा महसूस कराता है। लड़कियां भी उनसे खुलकर अपनी समस्याओं के बारे में बात करती हैं। पुलिस ऑफिसर यहाँ पे है, पर यहाँ पे तो डर भी लगता है। जो वुमेन पुलिस है वो हमेशा ही ड्यूटी पर रहती है, हमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो पा रही है यहाँ पर। लेकिन दिल्ली में महिला पुलिस पेट्रोलिंग की शुरुआत क्यों हुई? वुमेन सेफ्टी को लेके कंसर्न्स रहती हैं, या एक जनरल इफेक्टिवनेस जो रहती है वुमेन ऑफिसर्स के काम की, और प्लस उनका फील्ड में जो एक कहते हैं कि दे शुड नॉट बी लिमिटेड टू ऑफिस वर्क आल्सो, ये दो तीन कंसर्न्स थी जिसकी वजह से हमने ये स्पेशल वुमेन पेट्रोल शुरू की थी। वर्दी ना होने पर भी ये महिला पुलिसकर्मी खुद को सशक्त मानती है।